नमस्कार आदाब, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस अधिकारी वलटकर और मुजावर ये और श्री सागर ये लोग जो है क्वारंटाइन होकर वापस रिटर्न आए हैं। जैसा कि आप खबरों में सुना होगा, पिछले दिनों मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते तीन और पुलिस अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और अभी हाल ही में दो और पुलिस कर्मियों को पॉजिटिव पाए गए, जिससे पूरे पुलिस स्टेशन में खलबली मची रही। उसी दौरान जिस दौरान जो है सीनियर को जो है पॉजिटिव पाया गया, उसी दौरान 50 के करीब अधिकारी को जो है क्वारंटाइन किया गया था। मुमरा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उन्हें जो है क्वारंटाइन किया गया था और अब उनकी 14 दिन की क्वारंटाइन खत्म हुआ। फिर एक बार चार्ज संभाला है जो है शीर सागर, वलटकर और मुजावर जो है, जो यहाँ पर पिछले 2 सालों से तैनात है। काफ़ी अनुभव है उनको कि मुमरा में किस तरह से नाकाबंदी लगनी चाहिए, किस तरह से जो है लोगों को समझाना चाहिए। बहरहाल कुछ असर उनसे भी रहा है। तो हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, रमजान कैसा रहा ये तस्वीरें देखें आप। जो है आज का पहला दिन जो रोज़ा रखे थे लोगों ने, और इस बीच सड़कों पर किस तरह का माहौल रहा है, लेकिन कई हद तक आज भीड़ को कंट्रोल किया है। हम आपको सुनाते हैं क्वारंटाइन से आए तीन पुलिस अधिकारी PI वलटकर और मुजावर साहब या और शीर सागर, जो पहले ही जो है क्वारंटाइन से आ चुके हैं, उसके बाद जो है वलटकर साहब आए हैं और मुजावर साहब। मुजावर साहब ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे कुछ ऑफिसर और स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया था। कुछ लोग हमारे एडमिट भी अभी भी हैं, कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन किया था, उसमें से हम लोग भी तीनों PI बाकी के वो सब होम क्वारंटाइन में थे। तो 14 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म होने के बाद हम लोग आज हाजिर हो गए। हमारे जाने के बावजूद जो भी यहाँ बाहर से आए हुए ऑफिसर थे, उन्होंने नए होते हुए भी अच्छे तरीके से हैंडल किया था। जो कुछ स्टाफ बाहर से जो आया हुआ स्टाफ था, हमारा कुछ पुलिस स्टेशन का स्टाफ था, वो लोगों ने जो हमने पहले से ही बंदोबस्त स्कीम बनाई थी उसके ऊपर चलते हुए काम चालू था। हम अभी आने के बाद जो हमारा स्टाफ है, पुराना है, बाहर से जो लोग आए हैं, उनका मनोबल और बड़ा है कि भाई अपने ऑफिसर, कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो ऐसा हम लोग कुछ क्वारंटाइन से आज हाजिर भी हुए हैं। और कुछ लोग यहाँ के लोगों को भी हमने गली गली जाके अनाउंस किया कि भाई ये लंबी लड़ाई है, तो रमज़ान होने के बावजूद भी जो सोशल डिस्टेंस है या ख़रीदारी है, नमाज है, तो इबादत जो भी है, तो वो सब बातें इबादत नमाज ये सब अपने अपने घर में की जाए। ख़रीदारी का जो समय तय किया है कॉरपोरेशन की तरफ से, उसी समय में अगर ज़रूरी है तो ही बाहर निकले, अदरवाइज बिना मतलब का बेवजह रोड पर मत घूमो, ऐसा लोगों को हमने समझाया है। तो लोग भी कॉपरेट कर रहे, 99% लोग कॉपरेट कर रहे, 1% लोग नहीं समझते, उनको लाकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कार्रवाई पे आज जो है उतरे थे, सड़कों पर लोग कम दिखे, और उसके बाद जो आपके साथ कितने लोग और क्वारंटाइन हुए थे और कितने स्टाफ आई हैं फिलहाल मुमरा पुलिस स्टेशन में? क्वारंटाइन तो टोटल 52 लोग हुए थे हमारे। अभी तीन ऑफिसर आज हम लोग आ रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते 2-4 दिन में बचे हुए बाकी लोग आ जाएंगे। हमारे क्राइम के वर्क का दूसरा एक DY के API शिंदे साहब है, और मैं खुद ऐसे तीन ऑफिसर हम लोग हाजिर हुए। तो क्या किस तरह से और संदेश होगा आपको मुमरा कौसा वासियों को, क्योंकि रमजान का महीना है आज, जबकि भीड़ होना चाहिए, लेकिन आज पहला एक ऐसा दिन है कि जो भीड़ कंट्रोल रही है। हर साल का अभी लास्ट 3 साल से हमको तजुर्बा है कि भीड़ रोड पर इतनी होती थी कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमको ट्रैफिक क्लियर करने के लिए यहाँ से कौसा पैदल जाना पड़ता था, लेकिन अभी हालात अलग है। अभी भीड़ कर चलेगा नहीं और हालात बिगड़ जाएंगे, इसके लिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रुकेंगे, जितना रुकेंगे उतना जल्दी कोरोना का डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। थाना के अंदर सबसे ज़्यादा मुमरा के अंदर कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, तो लोगों को मेरी यही अपील है कि इफ्तारी हो, शेरी हो, ये सब जो बातें आप घर में कीजिए, और जो टाइमिंग दिया है कॉरपोरेशन ने
सुबह 12 तक का, तो उसी टाइम के अंदर जो भी आपके परचेसिंग है, जरूरी चीज़ें हैं वही लीजिए। इफ्तारी के समय बिल्कुल बाहर ना निकले। हम ठेले वालों को भी आह्वान किया है तो अभी कोई ठेले भी बाहर नहीं लग रहे, और जो नहीं मानेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सर एक बात यहाँ पर ये भी उठ रहा था कि जो थाने महानगर पालिका ने जो उनके तरफ से एक लेटर अपडेट किया है कि 3 बजे से लेकर 12 बजे तक दुकानें चालू रहेंगी, तो इस बीच जो है कुछ लोगों ने फ़ोन किया बताया कि मतलब कि लोगों को समय से पहले, मतलब कोई 7 बजे कहीं मार्केट में पुलिस वाले जाते हैं वहाँ पर डंडे मारते हैं, ये मतलब लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये मतलब क्या है? पहले तो लोगों को रुकाने के बाद इंक्वायरी करो किस लिए जा रहे, कि जरूरी काम है क्या है, पूछताछ करो। अगर मालूम पड़ता है कि बिना वजह लोग ऐसा ही दो दो तीन तीन लोग इकट्ठा होकर चार चार लोग घूम रहे, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जमावबंदी है, 144 सेक्शन 4 लागू है, टोटल लॉकआउट है, अपने इधर रेड जोन भी आता है मुमरा थाना, तो इसके वजह से टोटल लॉकआउट है, तो इसमें जमावबंदी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये मालूम होते पता होते हुए भी अगर लोग इकट्ठा हो जाएंगे 10-12 लोग 15 लोग 20 लोग एक जगह अगर जमा हो जाएंगे तो बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे हम लोग, तो दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी और इकट्ठा होने वालों पर भी कार्रवाई। तो आपने सुना PI मुजावर ने क्या कुछ कहा है, लेकिन आज जिस तरह से नाकाबंदी लगाई गई थी जगह जगह, इससे लोगों में काफी डर का माहौल था, और खास करके मुमरा वासियों ने इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसका भी असर आपको देखने मिल रहा है। लेकिन जब से देश में लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ही टाइम टेबल को लेकर लगातार अधिकारी बदल रहे हैं, कभी जो है टाइमिंग कुछ बना रहे हैं तो कभी कुछ टाइमिंग दे रहे हैं, पेपर में लिखित दे रहे हैं लेकिन लोग नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन TMC अधिकारियों का काम है कि जो नियम पेपर पे बनाया गया है, जो लेटर दिया गया है, उसे पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचाए, ना कि कोई व्हाट्सएप पर फेसबुक पर भेजकर लोगों को संतुष्ट करें और बाद में फिर पुलिस की लाठियां खाएं। और प्रहार टाइम्स की तरफ से आप सभी को बार बार बताया जा रहा है, ये दौर अकड़ दिखाने की नहीं है, ये दौर चार दीवारी में छुपने का है, सुरक्षित रहने का है, सावधान रहने का है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये किसी को नहीं पहचानता है, कौन है अमीर कौन है गरीब वो किसी को नहीं पहचानता है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।